बस वाले भैया बस पीछे कर रहे थे और पीछे से नोवा कार निकलती है। वेलकम गाइस, आज हम जा रहे हैं अपने जम्मू सिटी का टूर कर रहे हैं छोटा सा। मेरा फ्रेंड विकास और मैं काफ़ी दिन के बाद जा रहा हूँ व्लॉग बनाने। तो अभी हम अपने घर से निकल चुके हैं, अभी रास्ता थोड़ा आपको आगे जाके पता चलेगा किस तरह का है हमारे घर का रास्ता। अभी हम अपने रूपनगर से निकल चुके हैं घर वाली साइड से। तो काफ़ी दिन हो गए थे ब्लॉग बनाए हुए, काफ़ी दोस्त बोल रहे थे कि ब्लॉग लाओ, तो आज हमें टाइम मिला है। दोस्त की गाड़ी है, दोस्त थोड़ा सा गाड़ी का काम कराएगा, तो हमें भी कुछ काम था तो सोचा कि ब्लॉग बना लेते हैं आज। अभी हम अखनूर रोड वाली साइड से जाने वाले हैं, तो जो भी अखनूर रोड वाली साइड रहता है उनको पता ही होगा रोड का कि किस टाइप का रोड है। तो चलो आगे मिलते हैं आपको। सीट बेल्ट बांध ली है मैंने, तो अभी मास्क है। रोड पे हम आ चुके हैं बाहर, तो मास्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तो मास्क रेडी है, सीट बेल्ट रेडी है, फ्रंट ने भी लगा दी है मास्क और सीट बेल्ट। अगर आप हाईवे पे निकलते हैं, कहीं पे भी निकलते हैं, तो आपको लगाना चाहिए। गली मोहल्लों में चलो अवॉइड करते हैं सभी के सब, बट बाहर आके आपको बाइक पे जा रहे हो हेलमेट ज़रूरी है और सीट बेल्ट ज़रूरी है कार में, और मास्क भी आपको ज़रूरी है। तो चलिए अभी हम रोड का टूर कराते हैं आपको। काफ़ी दिन हो गए हैं ब्लॉग बनाए हुए, तो इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो चलिए, ये है हमारे जम्मू का अखनूर रोड, और ये आप देख सकते हो सामने ब्रिज का काम लगा हुआ है। अभी यहाँ से पूरा तो नहीं आपको दिखेगा, अभी नॉर्मली दिख रहा होगा। तो यहाँ पर रोड देख सकते हो, बहुत कंजेस्टेड रोड है ये, यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे 4 लाइन बना रही है या 6 लाइन बना रही है अभी बाद में। गाइस पीछे बहुत ज़्यादा रश था और लोग ओवरटेक कर रहे थे, हमें डर रहा कि अपनी गाड़ी नहीं हमारी ठुक जाए, क्योंकि डर लगा रहता है। आजकल अनट्रेन ड्राइवर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, एल लिखा होता है सबके पीछे, तो उस चक्कर में अभी हम बॉडी वाले रास्ते जा रहे हैं जो इससे भी डेंजर होने वाला है। आज कुछ तूफानी कर रहे हैं, इसलिए आज हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं कि यहाँ से कुछ एडवेंचर तो नहीं बोल सकते, बट जो सिटी में होता है ना, जो रोज़ का हाल, जाम और काफ़ी देर तक लंबी लाइन, वो आज हम देखने वाले हैं। अभी देखते हैं कैसा हमें सिटी का माहौल मिलता है यहाँ का बॉडी का। ये भी हमारे घर के पास ही है, जो लोग बॉडी रहते होंगे कमेंट करके बताना कि कैसे मज़े हैं यहाँ पे इस रोड पे बाइक चलाने में और गाड़ी चलाने में। अंकल जी कर लो अंकल जी, ये देखो अब जाम लग गया, छोटी सी सड़क है, गाड़ी मुड़ेगी नहीं इनसे। वाह निकल गई गाड़ी, और पीछे आप जाम देख सकते हो कितना जाम है। इस रोड पे आओगे आपको जाम ही जाम मिलेगा, बाइक चला रहे हो कुछ भी, अगर गाड़ी चला रहे हो फोर व्हीलर, आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सीट
सिटी का ये हाल होता है। ये भी हमारा जम्मू दिल्ली की तरह है। और ये देखो भाई साहब बिना इंडिकेटर के वहाँ जा रहे हैं, गर्दन निकाल के, अपनी बाजू भी नहीं निकाली। ये देखो इंडिकेटर कहाँ का जलाया और जाना कहाँ पे है। ये सीधे रास्ता है बट यहाँ से रॉन्ग साइड हुआ था, हमें यहाँ से लेफ्ट जाना पड़ेगा। ये आ गया अखनूर रोड वाला रास्ता। यहाँ से अगर आप सीधे लेफ्ट जाते हो नीचे की तरफ, वो अखनूर को चले गया रास्ता, और अभी हम सिटी को जा रहे हैं तो यहाँ से हमें राइट लेना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो मॉल जो अभी चल रहा है बट काफ़ी लॉस में है। और ये रास्ता चला गया हमारा सिटी की तरफ। जीवल के लिए भी यही रास्ता है, बस स्टैंड के लिए भी यही रास्ता है, और विक्रम चौक के लिए भी यही रास्ता है। और ये साथ में चनाब रिवर साथ साथ में चल रही है। और ये दो रास्ते हैं यहाँ पे, ये जो लेफ्ट साइड वाला रास्ता है ये जीवल को चले गया, और जो ये वाला रास्ता है भगवती नगर को जा रहा है। यहाँ से अगर आप गांधीनगर विक्रम चौक या शॉर्टकट जाना चाहते हैं बाहर गांधीनगर वाली साइड, तो इस रास्ते से आप जा सकते हैं सीधा। और ये रास्ता वो सामने रहा जिधर से अभी हम आए गोल चक्कर काट के, अभी हम लेफ्ट साइड जाएंगे यहाँ से। गाइज अभी हम ब्रिज पे जा रहे हैं, ये जम्मू तवी का तीसरा या चौथा पुल है, फोर्थ पुल है, कौन सा है? तीसरा ये तीसरा है, हाँ ये तीसरा पुल आ गया। अरे आप तवी देख सकते हो। गाइज आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। अभी आप देख सकते हो पीछे तभी जा रही है, मास्क लगा के थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बट क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। मेरे फ्रेंड ने भी मास्क लगाया। ये जो भी आप ये सामने देख रहे हो यहाँ पे झील बनने वाली है जम्मू तवी की, और यहाँ पे बहुत अच्छा पार्क बनने वाला है, टूरिस्ट प्लेस बनने वाली है। और ये आप सामने देख सकते हो, ये रास्ता सीधे अब निकलेगा जाके वेयर हाउस और एशिया होटल के पास। ये रास्ता चले गए वेयर हाउस, आगे वाला रास्ता भी वेयर हाउस चले जाएगा। लेफ्ट साइड से चौक आएगा एक, तो जो सीधा रास्ता है वो एशिया के लिए जाएगा, अभी आपको दिख जाएगा। गाइज अभी आपने देखा होगा कि बस वाले भैया बस पीछे कर रहे थे और पीछे से नोवा कार निकलती है, कितनी जल्दी लोगों को, उन्होंने हाथ भी दिया, उन्होंने रोका भी कि रुक जाओ, और हम रुके हुए हैं आपने देखा ही होगा। और कैमरा ऑन था, ऑन कैमरा, ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं कि मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। इतनी बड़ी बस है, ना कि स्कूटी जा रही थी कि स्कूटी वाले भैया निकल जाते हैं आराम से एक सेकंड में, बस है भाई। पर बस के पीछे से नोवा वाले भैया ने भी अच्छा स्टंट किया, उनके पीछे से निकले। अगर गाड़ी लग जाती उनके साथ
या गाड़ी उनकी पलट जाती तो कुछ भी हो सकता था, समझ सकते हो आप। ये रास्ता गया वेयर हाउस और ये रास्ता चले गया एशिया होटल, और ये जो आप देख सकते हो बसेस लगी हुई हैं आगे पीछे, ये हमारे जम्मू का ओल्ड बस स्टैंड भी बोल सकते हो आप इसको। ये आप सामने देख सकते हो कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। और इनोवा कार कहाँ पहुँची? और ये इनोवा कार ये रही, पंजाब नंबर की गाड़ी है। और इन भाई साहब को मेरे को लगता है कि अभी एक मिनट में पंजाब पहुँचना है। यही वो गाड़ी है जो बस के साथ बजती बजती बची है। लोगों कितनी जल्दी जा रही है ना, मतलब ट्रैफिक में फिर आ जाके हमारे आगे ही है, और वहाँ से इतनी जल्दी से निकलने की, जैसे ये सिक्स लाइन हाईवे और उसको बारों बार निकलना है। सही बात है। बिना इंडिकेटर अंकल जी जाते हुए, अपने दिखा सकता था मैं आपको बट नहीं दिखा पाया कि हमारी ग्रीन लाइट है, वहाँ से कोई ऑफिसर की गाड़ी जाती है उसको जाने दिया जाता है और हमारी लाइन को रोक दिया। और हमारे सेकंड बचे भी कितने हैं, 11, 10, 12, मतलब यही 10-12 सेकंड, अब 6 सेकंड। ये गाड़ी देख रहे हो आप, ये अभी भी हमारे सामने चल रही है। इन भाई साहब को ज़्यादा जल्दी थी, अभी भी यहीं घूम रहे हैं। और ये रोड आ गया जम्मू पठानकोट हाईवे, आगे से निकाल लेते हैं वहाँ से। देख ले, ये आ गया हमारे जम्मू का गांधीनगर पोर्शे एरिया। ये आ गया हमारे जम्मू का गांधीनगर, और ये स्पोर्ट्स ग्राउंड ग्रीन बेल्ट पार्क, तो वो है नहीं ये है वह, क्या हो गया। गाइस ये आ गया हमारा जम्मू का परनामा चौक, एक रास्ता चले गया जम्मू यूनिवर्सिटी, ये रास्ता चले गया सीधे सामने रेलवे स्टेशन, ये चले गया बाऊ प्लाजा राइट साइड वाला, और अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये कि ऐसे लग रहा है जून जुलाई का मौसम हो गया, सर्दी वाले कपड़े डालने का मन नहीं कर रहा, गर्मी लग रही है। ये जो यहाँ से राइट साइड रास्ता जा रहा है ये रेलवे स्टेशन के लिए जा रहा है साथ में।